हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अ ट्रेन जर्नी. क्या कभी आपने ट्रेन में जर्नी की है? कैसा आपको महसूस हुआ? अ ट्रेन जर्नी इज यूजुअली वेरी कंफर्टेबल इन कंपैरिजन टू द अदर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. वी हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाई ट्रेन? हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? जो हमारे अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनके कंपैरिजन में जो ट्रेन जर्नी होती है वो बहुत कंफर्टेबल होती है. क्या कभी आपने ट्रेन जर्नी की है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसमें? नाउ रीड दिस कॉन्वर्सेशन. फादर, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड. लेट अस गेट फास्ट. ट्रेन पहुँच गई है, जल्दी जल्दी चलें. हिमांशु, पापा, वॉट इज़ आवर कंपार्टमेंट नंबर एंड वट आर आवर सीट नंबर? हमारा कंपार्टमेंट नंबर और सीट नंबर क्या है? हिमांशु ने पापा से पूछा. फादर, आवर कंपार्टमेंट नंबर इज B2 एंड आवर सीट नंबर आर 24, 25 and 26. कंपार्टमेंट नंबर B2 है और सीट नंबर 24, 25, 26 है. मदर, हिमांशु, डोंट गो सो फास्ट एंड बी विद अस. मदर ने क्या कहा हिमांशु को? कि इतनी तेज मत जाओ और हमारे साथ चलो. फादर, गेट हेयर, वी हैव गॉट आवर सीट्स. इधर आ जाओ, हमें हमारी सीट मिल गई है. मदर, कीप योर लगेज एंड गेट कंफर्टेबल. अपना सामान रखो और आराम से बैठ जाओ. अ कोल्ड ड्रिंक सेलर कम्स. अब ट्रेन में कौन आया? कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला. हिमांशु, पापा, प्लीज गेट मी अ कोक, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. प्लीज मेरे लिए एक कोक ले लो, मैं पीना चाहता हूँ. फादर, ओके, गेट 50 rupees एंड गेट द चेंज. ठीक है, 50 rupees लो और चेंज वापस ले लो. हिमांशु, ओके, थैंक यू पापा. फादर, एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट? तुम कुछ और चाहिए? हिमांशु, पापा, कैन यू प्लीज गेट मी सम चिप्स एंड बिस्किट्स टू. क्या मांगा और? चिप्स और बिस्किट. फादर, फ्रॉम द विंडो, लिसन, गिव मी अ पैकेट ऑफ चिप्स एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट प्लीज. हाउ मच दे आर फॉर? पापा ने विंडो से क्या मांगा? जो सेलर आया था उससे चिप्स और बिस्किट, और उनसे फिर कीमत पूछी. वेंडर, 30 rupees ओनली. कितने के थे? 30 rupees के. फादर, ओके, जस्ट टेक द मनी. पैसा दे दिया. द ट्रेन स्टार्ट्स सून. अब इसके बाद ट्रेन चल पड़ी. हिमांशु, सीइंग द चेन, मम्मी, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस चेन? ट्रेन में क्या होती है? चेन भी होती है. तो उसने पूछा कि इसका क्या यूज है. मदर, माई सन, दिस चेन इज मेंट टू स्टॉप द ट्रेन, बट दिस शुड बी पुल्ड ओनली इन केस ऑफ एन इमरजेंसी. किस चीज के लिए है? ट्रेन को रोकने के लिए, लेकिन केवल इमरजेंसी में ही उसको खींचना, अदरवाइज नहीं खींचना. हिमांशु, व्हाट विल हैपन इफ समवन पुल्स द चेन विदाउट एनी रीजन? अगर बिना रीजन के आप पुल करते हैं चेन को तो क्या होगा? मदर, इफ समवन पुल्स द चेन विदाउट एनी रीजन देन ही और शी विल बी फाइंड और सेंट टू जेल फॉर 6 months. सम मे बी पनिश्ड विद बोथ. क्या होगा अगर विदाउट रीजन खींचोगे? तो क्या होगा कि उसको फाइन लग सकता है, 6 months की जेल भी हो सकती है, और हो सकता है कि ये दोनों हो, फाइन भी और जेल भी. हिमांशु, टॉकिंग टू अ को पैसेंजर, गुड इवनिंग अंकल, हाउ आर यू? अब जो साथ वाला पैसेंजर था उससे बात करते हुए कहा, गुड इवनिंग अंकल, आप कैसे हैं? पैसेंजर, गुड इवनिंग डियर, आई एम फाइन, व्हाट्स योर नेम? पैसेंजर ने भी क्या कहा? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है? हिमांशु, माई नेम इज हिमांशु, आई एम गोइंग टू नागपुर, वे आर यू गोइंग टू? मैं नागपुर जा रहा हूँ, मेरा नाम हिमांशु है, और आप कहाँ जा रहे हैं? पैसेंजर, आई एम गोइंग टू हैदराबाद विद माई वाइफ, वॉट अबाउट यू? मैं अपनी वाइफ के साथ हैदराबाद जा रहा हूँ. और आप? हिमांशु, आई एम गोइंग विद माई पेरेंट्स, वी वॉन्ट टू विजिट द फेमस प्लेसेस इन नागपुर. मैं अपने पेरेंट्स के साथ में जा रहा हूँ और नागपुर के जो फेमस प्लेसेस हैं मैं उनको विजिट करना चाहता हूँ. आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटे के बाद क्या हुआ? फादर, नागपुर इज अबाउट टू कम, लेट्स गेट रेडी टू गेट डाउन द ट्रेन. नागपुर आने वाला है, अब जो है हमें ट्रेन से नीचे चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए. हिमांशु, ओके पापा, वी आर रेडी. हिमांशु ने भी क्या कहा? ठीक है, हम रेडी हैं. देखा बच्चों आपने कि ट्रेन जर्नी में हमें जब
चेन दिखाई देती है तो उसको अननेसेसरी हमें नहीं खींचना है, क्योंकि अगर हम अननेसेसरी खींचेंगे तो उससे क्या होगा, हमें पनिशमेंट और फाइन दोनों चीज हो सकती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज इट।